आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 के आठवें मुकाबले में न्यूजीलैंड वुमेन्स ने इंडियन वुमेन्स को 62 रनों से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड वुमेन्स की टीम ने निर्धारित 50 ओवरों में 260 रनों का लक्ष्य खड़ा किया। न्यूजीलैंड की तरफ से सदर वेट ने 75, एमिला कैर ने 50 और के मर्टी ने 41 रन बनाए। वहीं इंडिया की तरफ से पूजा वास्टरकर ने 4 और राजेश्वरी गायकवाड़ ने 2 विकेट लिए। 161 रनों का टारगेट का पीछा करते हुए इंडियन टीम महज 198 रन ही बना सकी और इस मैच को 62 रनों से गंवा दिया। इंडिया टीम की तरफ से हरमनप्रीत कौर ने 71, मिथाली राज ने 31 और यास्तिका बाटिया ने 28 रन बनाए। वहीं न्यूजीलैंड वुमेन्स की तरफ से एमिला कैर ने 3 और लिया तहुहु ने 3 विकेट लिए। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। पहुंचा था इंडियन वुमेन्स के कप्तान मिताली राज ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था और आमंत्रण दिया था न्यूजीलैंड वुमेन्स की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए। न्यूजीलैंड की तरफ से सुजय बीट्स ने 10 गेंदों पर 5 बनाई थी। सोफिया डिवाइन ने 30 गेंदों पर 7 चौकों की बदौलत 35, एमिरा कैर ने 64 गेंदों पर 5 चौकों की बदौलत शानदार 50 रनों की पारी खेली। एमी सदरवेट ने 84 गेंदों पर 9 चौकों की बदौलत 75। वही मैडी ग्रेन की बात करें तो 36 गेंदों पर 3 चौकों की बदौलत 27, कैटी मर्टी ने 51 गेंदों पर 3 चौकों के साथ 41, हैन जेंस ने 207 गेंदों पर 1, लिया तहुहु ने 4 गेंदों पर 1, जेस कर ने 1 गेंदों पर 0, आखिरी में फ्रांसिस मैके ने 11 गेंदों पर 1 चौकों की बदौलत 13 और हन्ना हरोवे ने 3 गेंदों पर 2 रन बनाई। बात करें न्यूजीलैंड वुमेन्स के विकेटों का पतन का तो न्यूजीलैंड की तरफ से पहला विकेट सूजय विट्स के रूप में 9 रनों के योग पर गिरा था। दूसरा विकेट कप्तान सोफिया डिवाइन के रूप में 54 रनों पर गिरा था। तीसरा विकेट की बात करें तो एमिला के रूप में 121, चौथा विकेट मैडी ग्रेन के रूप में 175, पांचवा विकेट की बात करें तो एमी सदरवेट के रूप में 224, छठवां विकेट की बात कर लेते हैं दोस्तों तो 233 रनों के योग पे हैली जनेशन के रूप में गिरा था। सातवां विकेट लिही तो हुहु के रूप में 240, आठवां विकेट जेस कर के रूप में 240 और आखिरी और नौवां विकेट कैटी मार्टिन के रूप में 255 रनों पर गिरा था। वही बात कर लेते हैं इंडियन वुमेन्स टीम की गेंदबाजी की तो इंडियन वुमेन्स की टीम की तरफ से झूलन गोस्वामी ने 9 ओवरों की गेंदबाजी की, 1 मैदान 41 रन और 1 विकेट लिया। मेघाना सिंह ने दोस्तों 8 ओवरों में 49 रन दिए, कोई विकेट नहीं मिला। राजेश्वरी गायकवाड़ की बात करें तो 10 ओवरों में 46 रन दी थी, 2 विकेट लिया था। पूजा वास्टेडकर शानदार गेंदबाजी की थी, 10 ओवरों में 34 रन देकर 4 विकेट लिया था। दीप्ति शर्मा ने हल्की महंगी साबित जरूर हुई थी, 8 ओवरों की गेंदबाजी की थी, 52 रन देकर 1 विकेट लिया था। वहीं स्नेह राणा की बात करें तो 5 ओवरों की गेंदबाजी की थी और 32 रन दिया था और उन्हें कोई विकेट नहीं मिला था। 261 रनों का टारगेट का पीछा करते हुए इंडियन वुमेन्स की टीम का शुरुआत बहुत ही निराशाजनक रहा और यास्तिका भाटिया और स्मृति मंदना की जो जोड़ी आई थी बल्लेबाजी करने के लिए, यास्तिका भाटिया ने हालांकि 59 गेंदों पर 2 चौकों की बदौलत 28 रन जरूर बनाई। हालांकि स्मृति मंदना फिर एक बार आज के मैच में निराश की, 21 गेंद खेलकर 6 रन बनाई। दीप्ति शर्मा ने 13 गेंदों पर 1 चौकों की बदौलत 5, मिथाली राज की बात करें तो 56 गेंदों पर 1 चौकों की बदौलत 31, हरमनप्रीत कौर ने बेहतरीन बल्लेबाजी की और 63 गेंदों पर 6 चौके और 2 गगनचुंबी छक्कों के साथ 71 रनों की बेहतरीन बल्लेबाजी की। ऋचा घोष निराश की, 1 गेंद पर 0 रन बनाई। स्नेह राणा की बात करें 28 गेंदों पर 2 चौकों की बदौलत 18, पूजा वास्टेडकर की बात करें तो 16 गेंदों पर 6, झूलन गोस्वामी 13 गेंदों पर 1 चौके और 1 छक्कों की बदौलत 15, मेघाना सिंह ने बात रही 9 गेंदों पर 2 चौकों की बदौलत 12 और राजेश्वरी गायकवाड़ के रूप में आखिरी विकेट गिरा था। 1 गेंद खेली थी राजेश्वरी गायकवाड़ ने, 0 रन बनाकर आउट हुई। इंडियन वुमेन्स टीम का पहला विकेट स्मृति मंदना के रूप में 10 रनों पर गिरा था। दूसरा विकेट दीप्ति शर्मा के रूप में 26 रनों पर गिरा था। तीसरा विकेट यास्तिका बाटिया के रूप में 50, चौथा विकेट कप्तान मिताली राज के रूप में 97 रनों पर गिरा था। पांचवा विकेट की बात करें तो ऋचा घोष के रूप में 97 रनों पर ही गिरा था दोस्तों। छठवां विकेट की बात करें तो स्नेह राणा के रूप में 127, सातवां विकेट पूजा वास्टेडकर के रूप में 143, आठवां विकेट हरमनप्रीत कौर के रूप में 178, नौवां विकेट झूलन गोस्वामी के रूप में 198 और दसवां विकेट की बात करें तो 198 के ही योग पे राजेश्वरी गायकवाड़ के रूप में गिरा था। बात करें न्यूजीलैंड वुमेन्स की गेंदबाजी की तो न्यूजीलैंड वुमेन्स की टीम की तरफ से फ्रांसिस मैके ने 8 ओवरों की गेंदबाजी की, 1 मैदान 25 रन दी। जेस्कर ने 7 ओवरों की गेंदबाजी की, 1 मैदान 40 रन और 1 विकेट लिया। हन्ना हरोवे ने दोस्तों 6 ओवरों की गेंदबाजी की, 1 मैदान 28 रन और 1 विकेट लिया। लिया तहुहु की बात करें तो 10 ओवरों में 2 मैदान 17 रन और 3 शानदार विकेट लिया। हैली जनेशन ने 6.4 ओवर की गेंदबाजी की, 30 रन दिया और 2 विकेट लिया। एमिला कैर की बात करें तो 9 ओवरों की गेंदबाजी की, 56
नंदेकर 3 विकेट लिया। दोस्तों रिजल्ट सामने आया कि न्यूजीलैंड वुमेन्स की टीम ने इस मुकाबले को 62 रनों से जीत लिया है दोस्तों। और रैंकिंग की बात करें तो 3रे पायदान पे पहुंच चुके हैं यहां पर न्यूजीलैंड की टीम दोस्तों। पहले पायदान पे अब देखना होगा कि आज जो कि वेस्ट इंडीज वुमेन्स की टीम पहले पायदान पे काबिज है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ लगातार बने रहने के लिए, ढेर सारा प्यार देने के लिए।